कल रात अगर कहा जाए बहुत कहर की रात थी, मारे गए हमास कमांडर। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शुरुआत पहली बड़ी खबर से, हर खबर में विजुअल है राहुल। इजरायली हमले में 24 घंटे में 480 की मौत। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। ये देखिए, युद्ध में अब तक 7000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत। ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिए। इजरायली हमले में 24 घंटे में 480 की मौत, ये बड़ी खबर। युद्ध में अब तक 7000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज सीधे आइए, मिस्र में यमन से दागी मिसाइलें गिरने की आशंका। ब्रेक करिए विद द वीडियो। यमन से चली दो मिसाइलों में से एक मिस्र में गिरने का अनुमान, ये बड़ी खबर है। लोकेशन लिखिए प्लीज जरा, मिस्र में मिसाइलें गिरी हैं, इजिप्ट में, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे ब्रेक करिए। यूएस साउथ कोरिया की बड़ी नेवी ड्रिल, एक और फ्रंट एक्टिव है। का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा एआईजी कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। विद द वीडियो दिखाइए जरा, ये देखिए वीडियो जरा। यूएस और साउथ कोरिया की नेवी ड्रिल चल रही है। उत्तर कोरिया के आक्रामक रुख का जवाब, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए राहुल जरा। यूएस और साउथ कोरिया की नेवी ड्रिल, ये देखिए किस तरीके से यहां पर जवाब दिया जा रहा है, और ये पूरी तरह से नॉर्थ कोरिया को दबाने की कोशिश है। वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए, एक्शन शॉट्स है इसमें। ये देखिए जरा, यूएस और साउथ कोरिया की नेवी ड्रिल, एक और, यानी कोरियन पेनिनसुला में भी युद्ध के बादल छाए हुए हैं। अगर मैं ये कहूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना में जबरन भर्ती का खुलासा। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। यूक्रेनी सांसद का सनसनीखेज कबूलनामा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेनी, यूक्रेन के पास रूस से युद्ध के लिए सैनिकों की कमी हो गई है, ये बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में सैनिकों की कमी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के अवदीविका में जबरदस्त जंग। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, बड़ा खतरनाक वीडियो है। ये देखिए जरा, एंबियंस अप करिएगा। रूस यूक्रेन के सैनिक मैदान में आमने सामने, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए, टैंक्स दिखाई दे रहे हैं। राहुल इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिएगा। यूक्रेन के अवदीविका में आमने सामने की जंग, ये देखिए अब आपको राइट साइड में एक टैंक दिखाई देगा। ये देखिए किस तरीके से मैसिव स्ट्राइक चल रही है, ये यूक्रेन के अवदीविका की खबर है, टैंक का अटैक था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, Su-34 से रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, यूक्रेनी ठिकानों को किया तहस नहस, ये देखिए जरा, Su-34 से रूस का बड़ा हमला, यूक्रेनी ठिकानों को तहस नहस किया, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे ब्रेक करिए, तुर्की में दुकानों में यहूदियों की एंट्री पर ब्रेक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, इस्तांबुल में दुकानों के बाहर लगाए गए पोस्टर, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, एक और बड़ी खबर, स्पेन के ओरेंजे में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और पुलिस में झड़प। दिखाइए जरा, फायर वेपन का पहली बार इस्तेमाल हुआ है, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों, प्लीज करेक्ट करिए उसको। ये देखिए, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और पुलिस में झड़प, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। स्पेन में ये देखिए, पहली बार फायर वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेन में पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों में झड़प का वीडियो आया है, फायर वेपन का इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए जरा, ये देखिए किस तरीके से फायर वेपन का इस्तेमाल हो रहा है। राहुल ये आठों खबरें यहां पर दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, और हमारे सभी मेहमान और सहयोगियों को प्लीज जरा लाइन अप करिए। ये देखिए मेरी पहली बड़ी खबर, 24 घंटे में गाजा में 480 की मौत हुई है, चिंताजनक आंकड़ा हमारे सामने है। अब तक 7000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत की रिपोर्ट की जा रही है। दो मिसाइलें दागी गई मिस्र में, इंफॉर्मेशन जो आ रही है, उसके बाद यमन से मिसाइलें दागी गई हैं। यूएस साउथ कोरिया की बड़ी नेवी ड्रिल हुई है। यूक्रेन की सांसद ने कहा कि यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी हो गई है। अब दीविका में रूस का बहुत बड़ा अटैक है, फिर यहां पर Su-34 से रूस ने बड़ा हमला किया है। टर्की में दुकानों के बाद बाहर लिख दिया है Jews not allowed, ये बड़ी खतरनाक खबर है। वाकई में ये जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, ये चिंताजनक है।